क्वेश्चन 88 कर रहे हैं जो कि केवीएस 2013 में आया है। क्वेश्चन क्या है कि इफ अ प्रोसेस इज रनेबल बट इज टेम्परेली स्टॉप टू लेट अनदर प्रोसेस रन इन विच स्टेट इज ए प्रोसेस सेड टू बी। ठीक है, तो अगर कोई प्रोसेस प्रोसेस टेम्परेली स्टॉप हुआ है तो किसी और प्रोसेस को रन होने के लिए, तो इन सब में से कौन सी स्टेट में आएगा। ठीक है, रनिंग स्टेट में कब आता है, जब हम अपना रेडी पूल में से किसी भी एक कोई भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है वो किसमें जाता है, रेडी के अंदर। फिर रेडी में से हम एसीपी शेड्यूलिंग करके एक एक प्रोसेस को उठा करके रनिंग में डालते हैं। रनिंग के अंदर क्या होता है, अपना सीपीयू जो वर्क करना होता है वो करता है बस। ठीक है, सो ये कह रहा है कि हमारा जब टेम्पररी स्टॉप होता है तो रनिंग स्टेट में होता है, कि रनिंग स्टेट में तो हमारा कुछ स्टॉप नहीं होता, रनिंग स्टेट में तो जब होता है जब हमारा वर्क कर रहा होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रेडी स्टेट, रेडी तो एक पूल है जहाँ पे कोई भी प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसको सीपीयू चाहिए होता है, तो पहले रेडी में आकर के वेट कर रहा होता है, तो फिर उसके बाद हो जाता है जाता है रनिंग के अंदर, तो ये भी नहीं होगा। इंटरप्टेड स्टेट नहीं है। ऑप्शन क्या है, डी, कि जब भी हमारा जैसे कि हमारा नीचे ये क्या होता है, ब्लॉक्ड होता है या फिर वेटिंग होता है ना, ब्लॉक्ड होता है या फिर वेटिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना रेडी, रनेबल और टर्मिनेट होता है, तो जब भी यहाँ पे कुछ स्टॉप, यहाँ पे अगर किसी भी प्रोसेस कोई और प्रोसेस आता है और इसको कुछ और वो चाहिए होता है ना, तो किसको भेज देता है, टेम्पररी स्टॉप करके या फिर वो यहाँ पे वेट के अंदर भेज देता है कि उस टाइम तो यहाँ पे वेट में कर जब तक तो मैं इस वाले प्रोसेस को रन करता हूँ, फिर तो वापस आ जाइयो, है ना। तो कौन से में जाता है वो, इसको ब्लॉक कह दो या फिर वेटिंग स्टेट कह लो, तो फिर कौन से स्टेट में जाता है, ब्लॉक स्टेट में। ओके, तो इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट।